मती 9:16-17 जो आज का हमारा वचन है, एक मिनट, परमेश्वर ने आपको चुना, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर ने अपना स्वरूप अपनी समानता में आपको रचा है। ये सबसे वाला परमेश्वर का प्यार है कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर ने पुराने जीवन से निकालकर आपको नया जीवन दे दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो नया जीवन इसलिए दिया ताकि आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे, परमेश्वर के अनुग्रह को जाने, उसकी योजनाओं को जाने, उसकी कृपा को जाने, उसके प्यार को जाने, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप उसकी कृपा, उसकी योजना को जानते हैं, जब आप उसके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करता है, हालेलुया। तो आज का जो वचन है उसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब लोग पुराने जीवन से नए जीवन में आए हैं, हालेलुया। तो आज मैं आपको पुराने जीवन का जो चला गया है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और जो नया जीवन आपको मिला है उसके महत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब तक हम उस नए जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक हम उस नए जीवन के मुताबिक अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य को हम महसूस नहीं कर पाएंगे, उसके प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन है मैथ्यू 9:16-17। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र के कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बताया गया है यीशु मसीह के जो चेले थे वो उसके साथ रहते थे। हालेलुया। यूहन्ना ने अपने चेलों से कहा, और यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि जब तेरे चेले उपवास करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, हालेलुया, वो गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो ये क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि पुराना जीवन, जो पुराना कपड़ा था, अगर उस पुराने कपड़े पर हम नया कपड़े का पैबंद लगाएंगे तो वो जो नया कपड़े का पैबंद है वो उस पुराने कपड़े को खींच लेगा। हालेलुया। यानी कि वो जो पुराना कपड़ा है वो और भद्दा हो जाएगा, उसका जो रूप है वो और बिगड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? पुराने जीवन की और नए जीवन की। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पुराने जीवन से निकालकर नया जीवन दिया है ताकि हम उसके अभिषेक को, उसकी बातों को, उसकी कृपा को समझ सके। इसलिए उसने हमें नया मन दिया है, नई आत्मा दी है, और यीशु का मन हमारे अंदर डाला है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा है ताकि हम उसकी अगुवाई के द्वारा उसको समझ सके। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक उस नए जीवन के कीमत को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी आशीषों को नहीं समझ पाएंगे, उसके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, उसकी कृपा को नहीं समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर क्या बात हो रही है? पुराने जीवन की बात हो रही है और नए जीवन की बात हो रही है। परमेश्वर ने नया जीवन हमें आत्मिक रूप से दिया है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है और यह वचन बताता है कि अगर हम आत्मिक तौर से अपने जीवन को चला रहे हैं, आत्मिक रीति से अपने जीवन को चला रहे हैं, तो हमें अपने स्वभाव को भी बदलना है। बिना अपने स्वभाव को बदले हम आत्मिक आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। सबसे जरूरी है हमारा स्वभाव को बदलना। सबसे जरूरी है कि यह मानना, यह विश्वास करना कि हम नए जीवन में आ गए हैं। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि हम नए जीवन में हैं। इस संसार में रहते हुए भी हमें विश्वास करना है कि हम नए जीवन के अनुसार जी रहे हैं। चाहे आप धंधा करें, चाहे आप नौकरी जाएं, आप चाहे कैसी भी जिंदगी जिए, लेकिन उसमें नया कानून जो परमेश्वर का है, जो नया जीवन है, जो नई सृष्टि है, जो नया आपके मन को परमेश्वर ने किया है, उसको हम समझें और उसके अनुसार जीवन को बिताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बिता सकते हैं आराम से, लेकिन उसके लिए परमेश्वर कहता है, यहां पर देखिए मती 7:13-14 में परमेश्वर ने एक हमको रास्ता दिखाया है कि हम किस रास्ते से होकर आएंगे तो हम नए जीवन के आनंद उठा सकते हैं, और हम किस रास्ते से होकर आएंगे जब हम नए जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। तो 7:13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत
फाटक से प्रवेश करो। ये परमेश्वर का आदेश है यीशु का। यीशु चाहता है कि हम संकरे फाटक से प्रवेश करें। कहां प्रवेश करें? परमेश्वर के राज्य में। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, अगर हमें नई सृष्टि में आना है, तो हमें सकेत फाटक से होकर आना है, सकरे मार्ग से होकर हमें परमेश्वर के चरणों में आना है। सकरे मार्ग से होते हुए जब आप आएंगे, तब आप उस नई सृष्टि को, उस नए मन को, उस नई आत्मा को, उस सामर्थ्य को आप पहचान पाएंगे, आप समझ पाएंगे। हालेलुया। अगर आप उसमें नहीं आएंगे मेरे भाई, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने अद्भुत आशीष आपके लिए रखी है। परमेश्वर ने ना खत्म होने वाला खजाना आपके लिए रखा है, लेकिन वो तभी आपको मिल सकता है जब आप नई सृष्टि से, नए मार्ग से, सक्रिय मार्ग से जब आप परमेश्वर के चरणों में आएंगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु का सामर्थ नए जीवन में ही काम करता है। प्रभु का सामर्थ नए जीवन में ही काम करता है, पुराने जीवन में काम नहीं करता है। Praise the Lord. अगर पुराने जीवन में वो काम कर सकता, तो आपको नया जीवन देता ही क्यों? हेलो, आप समझ रहे हैं? अगर आपकी पुरानी आत्मा पुराने मन के साथ परमेश्वर काम कर सकता, तो आपको नया मन क्यों देता? आपकी आत्मा को जिंदा क्यों करता वो? क्योंकि उसका जो सामर्थ है, वो पुराने जीवन के साथ, पुराने मन के संग, मरी हुई आत्मा के साथ उसका सामर्थ काम नहीं कर सकता। उसका सामर्थ नई आत्मा के साथ, नए मन के साथ, नई सृष्टि के साथ, नए होने पर ही आपको उसका सामर्थ काम करेगा। अगर आप नए नहीं हैं, आप कलीसी आते हैं, परमेश्वर के लिए आप, परमेश्वर का आपने बपतिस्मा भी ले लिया, पानी का बपतिस्मा भी आपने ले लिया, फिर भी अगर आप पुराने जीवन को जी रहे हैं मेरे भाई, और आप ये विश्वास करते हैं और आप ये इच्छा करते हैं और आप समझते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, तो नहीं कर सकता। Praise the Lord. सीधी सी बात है। अगर पुराने जीवन में आपका परमेश्वर का सामर्थ काम कर सकता, तो आपको नया बनाता ही क्यों? उसने पहले आपको चुना है। बाइबल कहती है कि तुम मुझे नहीं चुनते हो, मैं तुम्हें चुनता हूं। उसने चुना है, आपको नियुक्त किया है, और आपको संवारा है उसने, आपको रचा है उसने। एजिकल 36:25-27 के बीच में अपना नया मन किया, अपनी आत्मा को उड़ेला है, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दिया है। ये अपनी तरफ से किया परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 कहता है कि उसने अपनी इच्छा से आपके अपराध को, आपके पाप को आपके अंदर से निकाल दिया, और आपसे मेल मिलाप किया उसने अपनी इच्छा से। क्यों किया? ताकि उसका सामर्थ जो आपके लिए उसने रखा है, वो आपके जीवन में काम करे। इसलिए प्रभु कहता है, सकेत फाटक से होकर आओ। अगर मेरे राज्य में आपको प्रवेश करना है, तो आपको सकेत फाटक से होकर आना है। Praise the Lord. तभी आप उसके आशीष को पास आएंगे। इफिसियों 2:5-7 हालेलुया। इफिसियों 2 में देखिए, आपने पौलुस कितनी आराम से आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपका महत्व क्या है, आपकी कीमत क्या है, आप कौन हैं, आपकी इस समय स्थिरता, आप कहां पर हैं इस समय। पूरी तरीके से पौलुस ने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए वचन इफिसियों 2:5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यहां बताया गया पुराने मनुष्य के बारे में, पुराने जीवन के बारे में। हेलो, जब आप पुराने जीवन में थे और अपराधों के कारण मरे हुए थे, आपकी आत्मा मर चुकी थी, आपकी सोच मर चुकी थी, आपका मन दूषित था, आपके लिए कोई भी जीवन नहीं था, कोई आशा नहीं थी आपके लिए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया,
अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। आगे छठा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। एक मिनट, और मसीह यीशु के साथ हमें उठाया। प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु के साथ, जैसे यीशु मसीह उठाया गया था वैसे ही उसने हमें भी उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर जैसे यीशु मसीह को बिठाया था हमें भी बिठा दिया। हेलो, ये है नई सृष्टि की शक्ति, ये है नया जीवन जो परमेश्वर ने दिया है। उसका एक आपको मैं रूप दे रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ उस आपको उठाया और यीशु मसीह के संग उठाकर जैसे यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में बैठाया आपको भी स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस समय आप स्वर्गीय स्थानों पर हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नई सृष्टि में हैं तो आप इस समय स्वर्गीय स्थानों पर हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको शुद्ध किया, पवित्र किया और आपको यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। हालेलुया, यानी कि स्वर्ग में पिता बैठा है, यीशु बैठा है और हम बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम जमीन पर जिंदगी कैसे जिएंगे? अगर हम चौड़े मार्ग पर जाएंगे तो वहां विनाश है। अगर हम नई सृष्टि लेकर हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं लेकिन हम जा रहे हैं चौड़े मार्ग पर, तो हम अपनी आशीषों को खो देंगे। हम उस आशीष को खो देंगे जो परमेश्वर ने मुफ्त में दी है। इसका सातवां देखिए, सातवां कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। छठा और सातवां हम एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर उसके साथ बैठाया, क्यों? अगला सातवां, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, वो जो कृपा परमेश्वर ने हम पर की है या जो हम पर करने वाला है या जो उसकी योजना है हमारे लिए, वो सारी कृपा जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाना चाहता है वो। अगर हम स्थिरता के साथ उन स्वर्गीय स्थानों पर बैठे रहेंगे, अगर हम पुराने जीवन में ना जाकर अपने नए जीवन के साथ स्थिरता के साथ सक्रिय मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने असीम प्यार का धन दिखाना चाहता हूं। लेकिन हम कहते हैं हम चुने हुए, हमने यीशु मसीह को पा लिया, बपतिस्मा कर लिया, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी जाते हैं, दान दशांश भी देते हैं, लेकिन क्या आप सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं? अगर आप सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं तो आप स्थिरता के साथ उस ऊंचे स्थान पर हैं और आप परमेश्वर के कामों को जो आपके जीवन में होने वाला है वो होता हुआ देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा होता है कि कोई भाई कोई बहन जो प्रभु के चरणों में आता है, हो सकता है वो नया आए लेकिन उसके जीवन में प्रभु काम करता है, उसके जीवन में काम होता हुआ आप देखते हैं और आपके जीवन में काम होता हुआ नहीं देखते हैं आप, क्योंकि उसने आपको भी और इसको भी यीशु मसीह के संग उठाकर स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। लेकिन आप चौड़े मार्ग पर चलने की वजह से आप उस स्थान पर नहीं बैठ पा रहे हैं। वो स्वर्गीय जो स्थान है आपको दिया गया है उस पर आप स्थिरता के संग नहीं बैठे क्योंकि आप व्याकुल हैं अपने पुराने जीवन के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरे धंधे के लिए, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। हमारा जो दिमाग है, हम पुरानी सृष्टि से तो आ गए, हम पुराने जीवन से आकर नए सृष्टि में आ गए लेकिन हमारा ध्यान वहीं पर है, हमारा ध्यान वहीं पर है, इसलिए हमारा विश्वास कमजोर है। इसलिए वो बोल रहा है
कि पुराने वस्त्र पर अगर नया पैबंद लगा देंगे तो कपड़ा फट जाएगा, कपड़े का जो रूप है वो बिगड़ जाएगा। आपके जीवन का रूप क्यों बिगड़ा हुआ है? आप जब बाहर जाते हैं तो आप पूरी तरीके से अंगीकार नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आप जब बाहर जाते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो तो आप पाप करते हो। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में वो सामर्थ, आपके जीवन से वो सामर्थ लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के चरणों में नहीं है। आप सिर्फ चर्च आ रहे हैं कुछ पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, धंधा पाने के लिए। यीशु को पाने के लिए नहीं आ रहे हैं आप। जब यीशु मसीह को पाने के लिए आप चर्च नहीं आ रहे हैं तो जब आप बाहर जाते हैं अपने जीवन में तो यीशु आपके साथ होता नहीं है। आप अपने चमत्कारों से, गवाही से कि देखा मैं चर्च गई थी मुझे नौकरी मिली, मैं चर्च गई थी मेरा धंधा चल रहा है, मैं चर्च गई थी और मेरे संग मेरे पास पैसा है, हालेलुया, तो सामने वाला क्या कहता है, मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी नौकरी है, मेरे पास भी मकान है, मेरे पास भी धंधा है। क्योंकि जो उसके पास नहीं है उसकी जानकारी आपके पास है ही नहीं। आप उसको बता ही नहीं सकते कि मेरा उद्धार हो चुका है। आप उसको बता ही नहीं पाते हैं कि मैं इस समय यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, क्योंकि आपने उस चीज को महसूस ही नहीं किया। आप सामने वाले के साथ अंगीकार ही नहीं कर पा रहे, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप वहां भी फेल हो जाते हैं और जब आप चर्च में आते हैं तो आपको आत्मिक लोग मिलते हैं और आप उन आत्मिक लोगों के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो होता क्या है, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रभु से दूर हो जाते हैं और शैतान आपको लेके चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप आ तो जाते हैं बड़ी आसानी से लेकिन स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि संसार की जो पुराण जीवन की जो चिंताएं हैं वो आपको खींचती हैं। आप विश्वास ही नहीं करते। आप जानते हैं कि यीशु ने कहा था क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या कहां रहोगे, इसकी चिंता मत करो। आप ये जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इसलिए शैतान आपके जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए इफिसियो 2:6 क्या कहता है कि परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ उठाया और जैसे मसीह को स्वर्गीय स्थानों पर रखा वैसे उसने आपको भी स्वर्गीय स्थानों पर रखा। और क्यों रखा? ताकि वो अपनी महिमा का असीम धन आपको दिखाए। अभी वो आपको अपनी महिमा का असीम धन आपको दिखाना चाहता है, लेकिन आप जब वो देखता है कि है ये बच्चा कहां गया, तो फिर चला गया चौड़े स्थान पर, फिर चला गया संसार में। प्रेज द लॉर्ड। आप ये विश्वास करिए कि परमेश्वर का सामर्थ नए सृष्टि में ही काम कर सकता है, पुरानी में नहीं काम कर सकता है। अगर आपका पुराना स्वभाव अभी भी आपके अंदर है, अगर अभी भी पुरानी बातें आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, मुश्किल है। देखिए परमेश्वर विश्वासियों को चंगाई नहीं देता है। हेलो, कोई सुन रहा है? Yes, yes. समझ रहा है? Yes. विश्वासियों को आशीष नहीं देता है। जो नए आते हैं ना अविश्वासी, आप पहली बार आए आपको चंगाई देगा, दूसरी बार आए आपको चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जब पूरी तरीके से आप आ चुके हैं और आपने बपतिस्मा ले लिया है,
और जब वो जानता है कि मेरा बच्चा जान चुका है मैं कौन हूँ, वो सामर्थ के बारे में, तो वो चाहता है कि आप अपनी बीमारियों को खुद अपने मुंह से निकालें, अपने कष्टों को अपने मुंह से कहें और वो निकले। परमेश्वर ने आपको इस योग्य बना दिया है। हेलो, जब तक आपका बच्चा छोटा है आप उसे पॉकेट मनी देते हैं, ये लो भैया 10 रुपए से शुरू होती है, बच्चा बढ़ता है 50 रुपए, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000, 3000, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है। लेकिन जिस दिन आपने उसको योग्य बना दिया कि वो नौकरी करने लगे, तो आप क्या पॉकेट मनी देंगे उसे? कमाओ और खुद खाओ। प्रेज द लॉर्ड। आपने दिया है, अभी आपको खुद कमाना है, क्योंकि आपको उसने इलाज बना दिया है। परमेश्वर ने आपको योग्य बना दिया है कि आप शैतान को डांट कर निकाल सके। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी आप पास्टर के पास आते हैं, मुझे प्रार्थना करिए, अरे नहीं, आप विश्वासी हैं, आप खुद प्रार्थना करिए और खुद शैतान को निकालिए, अपने अंदर से निकालो शैतान, हटाओ। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर का प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। आप अपनी योग्यता को पहचानिए। हेलो, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में, आप परमेश्वर का काम होते हुए नहीं देख पा रहे हो, अभी भी आप बच्चा बने हुए हो। गलतियों चार का एक निकालिए, अभी भी आप बच्चे बने हुए हो। अगर 20 साल का बच्चा आपके पास आए और वो कहे कि पापा पापा मुझे 2 रुपये दो ना, पापा पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे लॉलीपॉप दो ना, तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? आप दुखी होंगे, 20 साल अभी भी बच्चा लॉलीपॉप मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी सेक्रेटरीस्ट को दिखाएंगे कि क्या हो गया मेरे बच्चे को? हेलो, देखिए गैलेशियन 4 का एक कहता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस वारिस जब तक बालक है, पढ़े बेटा, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं है, अगर वो बच्चा है, अगर आप बच्चे बने रहेंगे वचनों में, तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को उपयोगी नहीं कर पाएंगे। आपको बड़ा बनना है। आप चाहे वारिस हैं, आप चाहे स्वर्ग के अधिकारी हैं, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया और धरती पर आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया कि आप उसका उपयोग करें। लेकिन अगर आप बच्चे ही हैं, आप समझना नहीं चाहते वचनों को, वचनों पर चलना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कैसे काम करेगा? जैसे आप पहले रोते थे, वैसे आप आज भी रो रहे हैं। जैसे पहले आपको डर लगता था, आज भी आपको डर लगता है। आज भी कोई इलाके का शैतान दादा आपको डराता है और आप डर जाते हैं। पहले भी डरते थे, आप भी डरते हैं। पहले आपके पास सामर्थ्य नहीं था, आप सामर्थ्य है। आप बोलिए यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से, उस दादा को निकालिए, उसके अंदर से पाप निकल जाएगा। पहले भी काम नहीं था तब भी आप रोते थे, आज भी काम नहीं है तब भी रोते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है आज, अगर आप नई सृष्टि में हैं, प्रार्थना करिए और अपने आने वाली रुकावटों को दूर करिए, दूर करिए, रुकावटों को निकालिए। कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, उसके लिए प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए। शैतान ने आपकी आशीषों को रोका हुआ है। दानियल ने जब प्रार्थना की थी,
तो परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना सुन ली थी और मिकाएल दूत को भेज दिया था। लेकिन मिकाएल 3 हफ्ते के बाद दानियल के पास पहुंचा, नहीं पहुंच पाया। जो किसने रोका हुआ था? शैतान ने। किसने रोका हुआ था? लेकिन दानियल ने प्रार्थना नहीं बंद की। हेलो, हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना पूरी होने के लिए थोड़ा समय लगता है, हम अपनी प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं। रुका 18 का क्या कहता है, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। जब तक आपने जो मांगा है वो आपको मिल नहीं जाता मेरी बहन, निरंतर प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं आपके आशीषों को खींच कर लाएंगी आपके पास। कोई भी प्रॉब्लम हो प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी जो आशीषें हैं वो आपके लिए हैं। हेलो, आपकी जो आशीषें हैं वो आपके लिए हैं। परमेश्वर ने जो आपको सामर्थ्य दिया है, देखिए इफिसियों 1:3 क्या कहता है, इफिसियों 1:3 और पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें दी है। एक बार और पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। वो दे चुका है, अभी आपको लेना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषें दे चुका है। इजरायलियों को जब परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लेके आया था तो उन्होंने कहा था कि कनान देश जो प्रॉमिसिंग लैंड है मैंने तुमको दे दी है। लेकिन यहोशू की किताब अगर पढ़ेंगे तो उस लैंड को लेने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, युद्ध किया अपनी जमीन को लेने के लिए जो परमेश्वर दे चुका था। मूसा को परमेश्वर, सॉरी दाऊद को परमेश्वर राजा बना चुका था। शाऊल के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया था राजा के रूप में, लेकिन शाऊल वहां से हट नहीं रहा था। अपनी उस राजगद्दी को लेने के लिए दाऊद ने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसे छोड़ा नहीं, उसको विश्वास था कि यह गद्दी, इसका अभिषेक मुझे किया है परमेश्वर ने, इसलिए यह गद्दी मेरी है। वो लगा रहा। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर आप प्रार्थनाओं में कटौती मत करिए, निरंतर प्रार्थना करिए। आपने जो मांगा है विश्वास के संग मांगिए और प्रार्थनाओं में कटौती मत करिए। परमेश्वर ने आपको दे दिया है, अब आपको लेना है, आपको लेना है। वो स्वर्गीय स्थानों पे हर सब प्रकार की आशीषें दे चुका है। पहला पत्रस 1:3, हर चीज वो आपको दे चुका है, आपको लेना है। आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आप सकरे मार्ग पर नहीं जिंदगी गुजार रहे हैं, आप चौड़े मार्ग पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप पुराने जीवन में अभी भी मस्त हैं, पुराना जीवन को आप नहीं छोड़ पाते हैं। अभी भी आपको अच्छा लगता है चुगली, अभी भी आपको अच्छा लगता है दोष लगाना, इधर उधर की बातें सुनना, अभी भी आपको अच्छा लगता है। दूसरा पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और भक्ति से जो चीजें संबंधित हैं वो सारी चीजें आपको परमेश्वर दे चुका है। आपके जीवन से संबंधित, आपकी भक्ति से संबंधित जो भी बातें हैं परमेश्वर आपको दे चुका है। अब आप परमेश्वर के चरणों में रहकर सकते मार्ग पर चलकर उन चीजों को आपको लेना है। एक नई
नया जीवन जीते हुए आपको उनको अपना लेना है जो चीज आपकी है। Praise the Lord, आपको दे चुका है, आपको लेना है। अगर आपको लेना नहीं आता है तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है। Praise the Lord, ये परमेश्वर ने आपको वसीयत में उत्तराधिकार बना दिया है। आप अगर फिर भी कर्जों में लदे हुए हैं, भूखे घूम रहे हैं, तो आपकी गलती है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपके पास जो सामर्थ है आपको पता ही नहीं है वो क्या सामर्थ है। सक्रिय मार्ग से होकर मेरे पास आओ। कुछ वचनों को हम बहुत ही गलत तरीके से ले लेते हैं। अभी आप मसीह को बताएंगे तो मसीहों को एक दो मती 11 का 28 निकालिए, 28 और 29। हम इन वचनों को एक ढाल बना लेते हैं और हम समझते हैं इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन चल जाएगा। हम उन वचनों को समझ नहीं रहे। मती 11 का 28 क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप समझते हो कि हमने अपना बोझ दे दिया और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको विश्राम दे दिया, हमारी ड्यूटी खत्म, हमारी ड्यूटी खत्म। मैंने यीशु को बता दिया कि मेरी चिंता क्या है, मेरे बच्चे की फीस नहीं जा रहे, मैंने यीशु को बता दिया। मेरी नौकरी खतरे में, मैंने यीशु मसीह को बता दिया। मेरा कर्जा है, मैंने यीशु मसीह को बता दिया। मेरे अंदर पाप था, मैंने यीशु मसीह को बता दिया। मेरी बीवी से नहीं बनती, मैंने यीशु मसीह को बता दिया। मैंने अपना बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया और चौड़े मार्ग पर जाके खड़ा हो गया। आप समझते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े। Praise the Lord, यीशु को बोझ डालकर आपको सकरे मार्ग पर चलना है। Praise the Lord, आपको किस चीज की जरूरत है? क्या परमेश्वर का सामर्थ से ज्यादा बेटे की फीस है? नहीं। क्या परमेश्वर के सामर्थ से ज्यादा बीवी के कंगन है, साड़ी है, या बैंक बैलेंस है, या गाड़ी है? अगर परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है तो इन चीजों की कोई कीमत नहीं। यही तो प्रभु आपको बताना चाहता है। और हम ये सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने जीवन में इसको लागू करना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए लूका 12 में 16 से 21 के बीच में एक धनी व्यक्ति था, एक किसान था, जिसके बारे में बताया गया है। आप देखिए, आप उसको समझिए और अपने आप को रिलेटेड करिए उससे। लूका 12 16 से 21, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ बोलिए। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। Praise the Lord, किसी धनवान को बहुत बहुत पैसा मिल गया। Praise the Lord, आगे। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतना मुझे आशीष मिला है, मैं क्या करूं? मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है कि इस आशीष को, इस पैसे को रख सकूं। अगला। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। और उसने कहा, मेरा बखारियां, मेरे पास जगह है, उनको तोड़कर मैं और बड़ी बनाऊंगा ताकि अपने आशीषों को, अपने धन को वहां रख सकूं। आगे। और वहां अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। आमीन। और अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, आने वाली 10 पुश्तें खा सकती हैं। अपने बच्चों से कहूंगा आराम से रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह है चौड़े मार्ग का सुख। कौन सा सुख है ये? चौड़े मार्ग का।
जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि प्रभु कौन है, जहाँ पर आप देख ही नहीं रहे कि आशीषें कहाँ से आई हैं, जहाँ आप धन्यवाद नहीं दे रहे, जहाँ आप स्वयं स्वार्थ में, मोह में, माया में, घमंड में इस तरीके से लिप्त हैं कि आप प्रभु को याद ही नहीं कर रहे हैं। अगला, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बखारियां तोड़कर पैसा रख के तू क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये है चौड़े मार्ग के विचार। हम जब चौड़े मार्ग पर चलते हैं ना तो यही होता है, हम अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हम सालों साल खाते रहे। हम जब चौड़े मार्ग पर चलते हैं तो अपने लिए हम मकान बनाते हैं, अच्छे मकान, अच्छी सुख सुविधा, यहाँ भी एसी, वहां भी एसी, पैसा आया तो बाथरूम में भी एसी। हालेलुया। ये चौड़े मार्ग का सुख है। तो क्या कहता है परमेश्वर? पर तू, परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जब सक्रिय मार्ग से जाओगे तो तुम अपना धन, तुम स्वर्ग के लिए अपना धन बचाओ, स्वर्ग के लिए अपना धन, वो काम करो जो स्वर्ग में तुम्हें मिले। हालेलुया। एक किस्मा देखिए, इसका एक किस्मा, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है वह आदमी जो अपने लिए धन बटोरता है। इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, धन पर है। हेलो, हम जब नई सृष्टि में हैं तो हमें सकरे मार्ग पर चलना है। आज जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आनंद की बात है, लेकिन आप कहां जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद? घर जाते हैं। आराम से आप लोगों को बुला के पार्टी करते, मैंने बपतिस्मा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह कहां गए थे? रेगिस्तान, जंगल, रेगिस्तान में गए थे, उस सकरे मार्ग पर गए थे, मैंने बपतिस्मा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान वहां पर आया और उन्होंने परीक्षा की और यीशु मसीह ने वचनों के साथ उत्तर दिया और वह जीत पाए। अगर सोचिए, वो घर चले जाते, वहां मरियम होती, याकूब होता, जोसेफ होता, यहूदा होता और सब खा रहे होते, सब कहते, अरे यीशु लेना, थोड़ा सा तो ले ले, क्या हुआ इसमें? प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब संसार में रहेंगे तो संसार के लोग हमें अपने योग, अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको परमेश्वर की ओर लेके जाए अच्छे कामों के लिए। आप जब बड़े होते हैं, स्कूल से कॉलेज जाते हैं, तो वहां जो दोस्त मिलते हैं जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे लेना एक यार, इसमें क्या होता है, धुआं तो निकलेगा, अरे एक थोड़ा सा लेना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चौड़ा मार्ग है, सकरे मार्ग पर आपके साथ सिर्फ वचन होता है, आपके साथ सिर्फ प्रभु होता है, आपके पास सिर्फ उसकी आशीषें होती हैं, कुछ नहीं दिखता आपको, सिर्फ प्रभु दिखता है। और यही प्रभु चाहता है कि मैं तुझको दिखूं। इसलिए वो धन, जो धनी व्यक्ति, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके पास वचन होंगे, आप सबसे बड़े धनी हैं। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप कंगाल हैं, चाहे ब्रोच चढ़ जाते हैं, कंगाल हैं आप भाई, अगर आपके पास वचन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 8:1 निकालिए। मैथ्यू में पहाड़ी उपदेश 5, 6, 7, ये 3 अध्यायों में दिया गया है। और सब लोग जानते हैं पहाड़ी उपदेश बहुत अच्छे परमेश्वर के। हजारों की भीड़ यीशु मसीह के सामने बैठी थी
और वो पहाड़ी उपदेश दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हजारों लोग परमेश्वर के उपदेश को सुन रहे थे, उन बातों को सुन रहे थे जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर की शिक्षा थी। धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि वही स्वर्ग का अधिकारी होगा। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्य है जो शोक करते हैं, धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की अद्भुत शिक्षा, यीशु मसीह की अद्भुत शिक्षा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ये पहाड़ी उपदेश खत्म होते हैं, जैसे यीशु मसीह पहाड़ से उतर कर नीचे आता है, यीशु मसीह को एक कोड़ी मिलता है। सुनिए, जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो, एक कोड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कोड़ी आया। उस समय जिसको कोढ़ होता था उसको शहर की सीमा से बाहर कर देते थे, काला कपड़ा पहनाते थे, काला वस्त्र से वो ढका हुआ होता था, वो निशान होता है कि वो कोड़ी है। और जब भी उस कोड़ी के पास से कोई आता था तो वो कोड़ी खुद बोलता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, यानी कि मैं अशुद्ध हूं, मुझसे दूर जाओ। उस समय कोड़ी की वो हालत थी कि उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती थी, उसका पिता, उसकी माँ, उसके बच्चे उसे दूर से ही देखते थे, खाना भी जो बच जाता था उसको फेंक कर देते थे। ये कोड़ी मनुष्य यीशु मसीह के वचन को सुन रहा है। इस कोड़ी ने सुना कि यीशु कहता है, धन्य है वो जो मन का दीन है, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो धार्मिकता का भूखा प्यासा है, धन्य है जो दुश्मनों को माफ करता है, धन्य है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुन रहा है, वो कोड़ी सब कुछ सुन रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कोड़ी के कोड़ से ज्यादा उसके कोड़ की वजह से उसका मन अशुद्ध हो गया। इस कोड़ की वजह से उसने देखा कि उसकी बीवी उसकी नहीं रही, उसके दोस्त उसके नहीं रहे, उसका भाई उसका नहीं रहा, सब दूर हो गए बिकॉज ऑफ कोड़। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना आती है जब अचानक हमारा पैसा चला जाता है, जब अचानक हमारी नौकरी चली जाती है, जब अचानक हम खत्म हो जाते हैं, हमारे अपने दोस्त हमसे जुदा हो जाते हैं, वो हमारी तरफ देखते थे कहीं हमारा फोन नहीं उठाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें लगता है हम कितने अकेले हो गए, अब तक जो दोस्त था वो क्यों नहीं मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास शरीर नहीं है। आज वृद्धा आश्रम बन गए, माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चे वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वृद्धा आश्रम में पहुंचकर उस माँ बाप को एहसास होता है कि मैंने अब तक क्या पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं कि कभी कभी आपको वृद्धा आश्रम में जाना चाहिए, चाहे आप एक एक टॉफी लेके जाए, लेकिन जाकर मिलिए उन लोगों से, उनको बताइए कि उनके लिए आशा है और वो है यीशु मसीह। आपका बेटा आपको छोड़ सकता है, आपकी माँ आपको छोड़ सकती है, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो कोड़ी था ये अपने कोड़ से इतना दुखी नहीं था जितना कि इसके मन के अशुद्ध होने से दुखी था। लेकिन इसने तीनों अध्याय में, तीनों 5, 6, 7 पहाड़ी उपदेश से पूरा सुना और इसको बड़ा अचंभा हुआ कि यीशु मसीह ने इस पहाड़ी उपदेशों में शरीर की बात तो की नहीं, शरीर के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ मन के लिए कहा, मन की शुद्धता के बारे में बताया, शरीर की शुद्धता के बारे में, शरीर की बीमारियों के बारे में बोला ही नहीं। उसने ये कहा ही नहीं यीशु मसीह ने कि धन्य है जिसका शरीर स्वस्थ है, धन्य है जो खूबसूरत लगता है, धन्य है जो अच्छे कपड़े पहनता है, कहा ही नहीं ऐसा यीशु मसीह ने।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो मन का दीन है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, ये भी सुना उसने। प्रेज द लॉर्ड। वो कोली पीछे खड़ा होकर सुन रहा था यीशु मसीह के मुख से निकलता हुआ एक एक उपदेश, और जब यीशु मसीह उतरा तो वो एक अकेला कोली यीशु के पीछे आया, दंडवत करके झुककर यीशु को प्रमाण किया, प्रणाम किया और उससे पूछा, उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, अगर ना चाहे तो ना सही, क्योंकि मैं शरीर की शुद्धता से ज्यादा मन की शुद्धता चाहता हूं। तू मेरे मन को शुद्ध कर मेरे यीशु, इस संसार ने मेरे मन को अशुद्ध कर दिया है। जिनको मैं अपना समझता था वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, जिनके लिए मैंने अपना लहू बहाया था, पसीना बहाया था, आज वो मुझे एक रोटी मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे एक कोढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसी दुश्मन से शिकायत नहीं है, मुझे अपनों से शिकायत है, क्योंकि मुझे अपनों ने ही भेदा है, मुझे अपनों ने ही छला है। और यीशु तेरा वचन कहता है कि हमें दुश्मनों को माफ करना है। मैं अपने हर अपने को माफ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कठोर हो चुका है। इसलिए वो आया घुटने टेके और कहता यीशु यदि तू चाहे तो मेरे मन को शुद्ध कर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इसी रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए ही स्वर्ग से जमीन पर आया था। यही रीति रिवाज जो हमें अशुद्ध करते हैं, हमें अपवित्र करते हैं, हमें एक दूसरे से अलग करते हैं, ये छुआछूत। प्रेज द लॉर्ड। जब तक उसे रोग नहीं था वो कहां चल रहा था? चौड़े मार्ग पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यीशु के उपदेशों को सुना, वो सकरे मार्ग पर चलकर यीशु के पास आया और कहता है कि यीशु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगला क्या है? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने यीशु मसीह ने उसको तरस खाकर देखा और उसे छुआ। यीशु मसीह को उस पर तरस आया, यह आदमी पूरे शरीर से कोढ़ से ग्रसित है, इसको कोढ़ हो चुका है, लेकिन ये शुद्धता मांग रहा है, मन की शुद्धता मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय कोई भी इंसान कोढ़ी को छू नहीं सकता था। यीशु मसीह ने उस रीति रिवाज को तोड़ा और उस कोढ़ी को छुआ। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यीशु को धरती पर भेजा ही इसीलिए है ताकि हम शुद्ध हो जाएं, ताकि हम पवित्र हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपकी शुद्धता आप में तब बनी रहेगी मेरे भाई जब आप सकरे मार्ग से होकर प्रभु के पास जाएंगे। अगर आपने नया जीवन प्राप्त कर लिया है, अगर आप नई सृष्टि में हैं और फिर भी आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं तो आपका मन शुद्ध नहीं रह सकता। आपके मन में अशुद्धता आएगी ही आएगी और अशुद्ध मन परमेश्वर को नहीं देख सकता। अशुद्ध मन वाला परमेश्वर का नहीं हो सकता, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जान सकता। इसलिए आपकी शुद्धता बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को जाने उस पर चले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
जब हम नई सृष्टि में आने के बाद भी, आशीष पाने के बावजूद भी, चंगाई पाने के बावजूद भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, तो यीशु कहता है मत्ती 11 निकालिए 20 से 22 के बीच में, मत्ती 11 मैथ्यू 11 वो कहता है हाय उन लोगों पर जिन्होंने आशीष पाई, जिन्होंने चंगाई पाई लेकिन पश्चाताप नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेते। बैतसैदा वो जगह है जहां पर 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया था, कई चमत्कार किए गए बैतसैदा में, लेकिन बैतसैदा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, वो सकरे मार्ग पर नहीं चले, वो चौड़े मार्ग पर चलते थे, उन्होंने आशीष लिया और संसार में गए, चंगाई ली संसार में गए, तो प्रभु के पास नहीं आए, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है हाय उन पर, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि बहुत जरूरी है कि आप उसको समझें, वो आपको चंगाई क्यों दे रहा है, वो आपको आशीष क्यों दे रहा है, ताकि आप उसे समझें। आप आशीष पाने के बाद उसे भूल जाते, इस चर्च में कम से कम मुझे अगर याद है, मैं 2012 से यहां पर आया था, तकरीबन 1,500-2,000 लोगों ने आशीष पाई और चले गए। इतने होंगे कि नहीं होंगे, तकरीबन 2,000 लोग घर में बैठे हुए जानते हैं सब कुछ, और बड़ी बड़ी चमत्कार उन्होंने देखे अपने जीवन में। हालेलुया। लेकिन वो आशीष नहीं है जो आप शरीर के रूप में लेते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत सुख देना चाहता है। ये चंगाइयां तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है कि वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कमर के दर्द को ठीक करना, आपके कानों को खोलना, आंखों को खोलना, ये एक चिन्ह है जो परमेश्वर बताता है कि मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम उसी चिन्ह में खो जाएंगे और उसको भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस बीमारी से आप आजाद हुए हैं वो बीमारी फिर आ जाएगी आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि सकरे मार्ग से मेरे पास आओ, अपनी आशीषों को लेकर, परमेश्वर के प्रोमिसेस को लेकर, उसके प्यार को जानकर, उसकी योजनाओं को जानकर, सकरे मार्ग से प्रभु के राज्य में प्रवेश करो। सकरे मार्ग से आते हुए तब आप उसकी कीमत को समझ पाएंगे। यीशु के सामर्थ की कीमत को आप तभी जान पाएंगे जब आप सकरे मार्ग से होकर जाएंगे। और अगर आपने उसकी कीमत को नहीं जाना मेरे भाई, तो आप बहुत बड़ा आशीष खो देंगे। आप सोचिए कि जो परमेश्वर आपसे बिना कुछ लिए, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, आपकी आंखें खोलता है, आपके कान खोलता है, आपको दर्द से मुक्ति देता है, आपको आशीष देता है, मन की शांति देता है, नौकरी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचिए कि उसने क्या कुछ नहीं रखा है आपके लिए। हम बहुत छोटी चीज उससे मांगते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुझे जो देना जान चाहता हूं उसको तू समझ। हालेलुया।
उसको समझो। इसाक के दो बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब, एसाव को परमेश्वर ने अधिकार दिया था बड़े होने का, बड़प्पन का, लेकिन वो चौड़े मार्ग पर चलता हुआ, जीवन के चौड़े मार्ग पर चलता हुआ उस अधिकार की उसने वैल्यू नहीं की और वो अधिकार उसने अपने छोटे भाई को भेज दिया। बाइबल बताती है अंत तक उसकी पीढ़ी, एसाव की पीढ़ी परमेश्वर के आशीष को नहीं पा पाई, परमेश्वर के आशीष को नहीं पाई भाई, क्योंकि उसने उस अधिकार की वैल्यू नहीं की। आज जो हमें अधिकार दिया गया है, आज जो हमें परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, हमको अपना नाम दिया है, हमें उसने अपनी आत्मा दी है, हम इस कीमत को समझें, हम इसको वैल्यू दें। हमें उसने चुनकर अपनी आत्मा दी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए रोमियो 8:18 क्या कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। क्योंकि मैं समझता हूं इस समय का दुख और क्लेश जो आपके जीवन में है, जो आपके घरों में है, उसके सामने जो महिमा प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु उस महिमा के साथ प्रकट होगा और वो आएगा आपको लेने के लिए। ये आज आपका दुख कि मेरा पैसा नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, मेरे भाई ने कुछ कहा, मेरी बहन ने कुछ कहा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, इनसे मेल मिलाप कर लो। कोई दुखी हो उससे माफी मांग लो। सकरे मार्ग की प्रार्थना क्या है मैं आपको बताऊं, जानना चाहेंगे आप लोग? Yes. मती 6:12 जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी उसका एक अंश मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि सकरे मार्ग की प्रार्थना है। बोलिए, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Praise the Lord. सकरे मार्ग की प्रार्थना क्या है? सकरे मार्ग पर चलना परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हम पहले अपने आप को खाली करें। क्या प्रार्थना सिखाई है? तो हमारे अपराधों को माफ कर जैसे हमने दूसरों के अपराधों को माफ किया है। हेलो, पहले आप अपने आप को खाली करिए, फिर परमेश्वर से कहिए कि मेरे साथ आओ। यह है सकरे मार्ग की प्रार्थना, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने भाई, अपने बहनों के अपराधों को क्षमा कर दिया है। आप उसकी प्रार्थना को, उसके आशीष को पाने के योग्य बनिए। हम दूसरों को माफ नहीं करते और उससे माफी मांगते हैं। हमारे अंदर किसी ना किसी के लिए घृणा है, नफरत है, लेकिन हम उससे चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से वो हमें माफ कर दे। वचन कहता है कि पहले आप अपने भाई को माफ करिए, आप अपने पति को माफ करिए, आप अपनी बहन को माफ करिए, फिर उससे कहिए मुझे माफ कर। सक्रिय मार्ग पर चलना आसान नहीं ब्रदर, लेकिन सक्रिय मार्ग का जो आशीष है, जिस दिन आप उस आशीष को समझ जाएंगे, पौलुस उस सकरे मार्ग को समझ गया था। परमेश्वर के वचन के बिना वो कोई काम नहीं करता था, उसे कोड़े पड़ते थे, उसको लोगों ने मारा कूटा,
लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की धुन में रहा। उसके सामने खुला मार्ग था, उसका परिवार था, वो बहुत धनी आदमी था, पतरस बहुत बड़ा मशवरा था, लेकिन प्रभु को पाने के लिए उसने उस चौड़ा मार्ग खो दिया, छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा मेरे जीवन में काम कर रही है या नहीं कर रही है। आज आप देखिए कि आप कौन से मार्ग में हैं। आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं या सकरे मार्ग पर चल रहे हैं? आप अपने आप को जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको दो रास्तों का बताया कि दो रास्तों में क्या क्या चीजें मिलती हैं। सकरे मार्ग से होकर आपको क्या मिलेगा और चौड़े मार्ग से आपको क्या नहीं मिलेगा। अभी आपको देखना है कि आप किस मार्ग पर हैं इस समय। मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें एक मिनट के लिए और आप अपने आप को जांचिए कि मैं कहां पर हूं। क्या मैं अभी भी चौड़े मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन महत्व रखता है या संसार? क्या मुझे शरीर का सुख ज्यादा प्रिय है या आत्मा का सुख? इन बातों पर मनन करिए। आप अभी भी आपने आपको देखिए आप कहां पर हैं, और अगर अभी भी आप चौड़े मार्ग पर हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने मार्ग को चेंज करिए और सकरे मार्ग पर आइए। इस संसार में रहकर हमें सकरे मार्ग से होकर निकलना है, जहां पर प्रभु है, जहां जीवन है, और चौड़ा मार्ग जो विनाश लेकर आता है। हमें प्रभु को पाने के बाद भी अगर हम चौड़े मार्ग की तरफ जाते हैं तो हमारा पाना व्यर्थ है, हमारा उद्धार व्यर्थ है, क्योंकि जब वो आएगा उन्हीं को लेकर जाएगा जो संपूर्ण तरीके से उसके मार्ग पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी अगर कोई ऐसा है, प्लीज अपने आप को सकरे मार्ग पर लेकर आइए। और अगर आपको पता है कोई ऐसी बहन, कोई भाई आपका है जो चौड़े मार्ग पर चल रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, ताकि वो भाई, वो बहन, वो माँ, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरा पिता, अभी भी अगर वो चौड़े मार्ग पर है तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सकरे मार्ग से होकर चलें, क्योंकि जीवन वहीं पर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धुन में रहिए, परमेश्वर की आशीषों को पाने की धुन में रहिए। आप उसकी कीमत को समझिए। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे ज्ञान को समझ सकूं, तेरी योजनाओं को जान सकूं, तेरे सामर्थ को जानकर अपने जीवन में उस सामर्थ के साथ चलूं। हालेलुया। तभी आप उसके सुख को जो वो आपको देना चाहता है, उसने यीशु मसीह के साथ आपको उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। हमें स्वर्गीय स्थानों पर ही रहना है। कई हफ्ते पहले मैंने आपको बताया जाता था कि स्वर्गीय स्थानों पर किस तरीके से आप रह सकते हैं। हमें स्वर्गीय स्थानों पर ही रहते हुए स्थिरता बरतनी है, ताकि परमेश्वर की महिमा का धन जो वो हमें देने वाला है वो हम पा सकें, इसी जीवन में पा सकें, और उसकी योजना का हिस्सा बन सकें, उसके योग्य बन सकें, ताकि वो हमारे द्वारा काम कर सके, उसकी आवाज को सुन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुनकर, उसकी योजनाओं को सुनकर समझें और उसके अनुसार चलें। हालेलुया। आज का वचन आपने ग्रहण किया? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप उसके साथ चलेंगे।
आप सक्रिय मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। हालेलुया, क्या मैं ये विश्वास कर सकता हूं? Yes. हाँ के ना? हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड।